मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इम्पोर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हम बात करते हैं, नंबर तो बता ही दिया। हाँ, एक बात और मैं यहां पर बता देता हूं, नंबर से याद आया मेरे को कि नोट लगा के जरा लिखो। लिगेंड में हमारे पास में यदि कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जिसका नाम डाई ट्राई टेक्ट्रा प्रीफिक्स से स्टार्ट हो, तो उसके नाम के लिए, 2 के लिए हम डाई ट्राई टेक्ट्रा यूज नहीं कर सकते। क्या बोला हमने, नोट लगा के लिखना है आपको। नोट में लिखो जरा आप, यदि नोट, हम लिगेंड की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिगेंड की, लिगेंड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिगेंड की। यदि हमारे पास में लिगेंड का प्रीफिक्स यदि डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा हो, तो हम उस लिगेंड का जो नंबर है, जैसे 2 के लिए हम क्या लिखते थे, 2 के लिए लिखते थे हम डाई। अब यहां हम डाई यूज नहीं करेंगे, हम 2 के लिए यूज करेंगे बिस। क्या यूज करेंगे, बिस। हमारे पास में था 3, तो 3 के लिए हम ट्राई यूज करते थे, ट्राई। अब ट्राई यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या ट्राई यूज करेंगे, ट्रिस। अब हम यूज करेंगे क्या, ट्रिस। बात सही में आ रही है। और हमारे पास में यदि हम बात करें 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 की, तो हम यूज करते थे 4 के लिए क्या यूज करते थे। देखो यहां पर देखो, समझो जरा, समझो क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ लिगेंड और नेम ऑफ लिगेंड, नेम में कोई दिक्कत नहीं है, नेम तो मैं आपको लिस्ट दे ही दूंगा। जो भी लिगेंड है आपका, उस लिगेंड का नंबर लिखने के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेक्ट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा यूज करते हैं। लेकिन यदि उस लिगेंड का नाम डाई से स्टार्ट होता है, ट्राई से स्टार्ट होता है, टेक्ट्रा से स्टार्ट होता है, तो वहां पर उस लिगेंड के लिए हम नाम को, 2 लिगेंड है तो उसके लिए हम डाई का यूज नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां हम 2 के लिए डाई यूज करते थे, लेकिन ऐसे लिगेंड के लिए हम 2 के लिए डाई यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, बिस। 3 के लिए ट्राई यूज करते थे, लेकिन यहां हम 3 के लिए ट्राई यूज नहीं करके हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस। 4 के लिए हम क्या यूज करते थे, टेक्ट्रा, टेक्ट्रा, लेकिन हम टेक्ट्रा यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे टेक्ट्रा किस। हम 5 के यूज लिए क्या यूज करते थे, पेंटा। क्या यूज करते थे, पेंटा, पेंटा, पेंटा। अब हम पेंटा यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे पेंटा किस, पेंटा किस। ये हमारे पास में नाम हो जाएगा। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस और 5 के लिए पेंटा किस। ये बात सही में आ रही है। एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ढूंढ ढांड कर लाता हूं, लाया हूं मैंने, देखो जरा, एक मिनट, एग्जांपल कहां गया हमारा,
ये देखो एक सेकंड रुको, ये रहा हमारे पास में एग्जांपल। जैसे बहुत ध्यान से देखना, जैसे हमने ये लिखा K4, यहां लिखते हैं हम K4 Fe CN6, अब भी लिखा था हमने इसको। तो यहां S रूल का यूज करो, हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी बात, नोट लिगेंड ये वाली बात कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, इसके लिए हमने क्या यूज किया, बस इतना ध्यान रखना, यहां कितने लिगेंड लगे हैं, 6 के लिए क्या यूज किया हमने, 6 के लिए यूज किया हमने, कहां गया, हेक्सा। लेकिन यदि मान लो यही ऐसा हो जाए, ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट, इसका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस वाले के लिए एग्जांपल देखते हैं, इस वाले के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका CoEn, ये देखो ये है कोबाल्ट, ये है En, ये है आपका थ्राइस, ये है Cl थ्राइस, और कुछ है क्या, CoEn थ्राइस और Cl थ्राइस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमको नाम लिखना है, सबसे पहले नाम लिखना है इस साइड वाले का, पॉजिटिव चार्ज वाले का, पहले नाम आता है पॉजिटिव चार्ज वाले का, आउटर स्फीयर। तो अब स्फीयर की इस साइड तो कुछ है नहीं है, इस साइड है, तो हम जानते हैं कि इस वाले के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, सीएल के ऊपर है नेगेटिव, तो पहले हम इसका चार्ज लिखेंगे, इस वाले का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखाते हैं। जैसे हमने लिखा NaCl, तो हम Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, तो हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो पहले प्लस नाम वाले का नाम लिखाते हैं, उसके बाद में माइनस वाले का नाम लिखाते हैं, तो पहले प्लस वाले का नाम आएगा, तो पहले नाम किसका आएगा, पहले नाम आएगा बॉक्स का, पहले नाम आएगा इस वाले का। अब इस वाले में भी हमारे पास में यह क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और यह क्या है लिगेंड, क्या है लिगेंड, तो लिगेंड का पहले नाम आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का बाद में नाम आएगा, बात समझ में आ रही है, लिगेंड का नाम पहले आएगा, सेंट्रल मेटल का बाद में आएगा। अब देखो जरा, अब हम जो बता रहे हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है नंबर ऑफ लिगेंड, कितना नंबर है, 3, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलीन डाई अमाइन, इसका नाम है, EN का क्या नाम है, EN का नाम है आपका इथाइलीन डाई अमाइन, इथाइलीन डाई अमाइन हो गया। अब हमारे पास में आया CO का नाम, CO का नाम क्या है, कोबाल्ट, क्या है हमारे पास में, कोबाल्ट। अब CO की बैलेंस निकालो जरा कितनी आएगी, इसको मानो X, इसको मानो, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, इसके ऊपर चार्ज हो जाए आपका 0, बाइडेंटेड न्यूट्रल होता है, ये तो हो गया 0, उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, Cl, Cl के साथ आया हमारे पास में बनने के बन चार्ज होता है Cl का, उस साइड जाएगा 3, इसका आएगा 3, कोबाल्ट 3 लिखो, नहीं बात समझ में आ रही कैसे आएगा। देखो CO को मानो X, इसको बाद में लिखते हैं अपन, इसको क्या मानो, इसको मानो X प्लस, पॉजिटिव चार्ज तो कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस En होता है बाइडेंटेड न्यूट्रल, बाइडेंटेड न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब 0 इंटू 3, En को ऊपर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है 0 इंटू 3। अब आया Cl प्लस माइनस 1, कितने Cl, 3 बराबर, कोऑर्डिनेट स्फीयर को कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं, मतलब 0, कोई 0, क्या हो जाएगा, X माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हुआ 3, ये आ गया 3। तो कोबाल्ट की बैलेंस कितनी आई, 3, यहां कोबाल्ट की बैलेंस आई 3, कोबाल्ट की बैलेंस कितनी आई आपकी 3। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब हम होने क्या जा रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोबाल्ट, हम लिखेंगे कोबाल्ट, रोमन में लिखेंगे 3, ये हुआ इसका पूरा नाम, ये हुआ इसका पूरा नाम, ट्राई 3 के लिए ट्राई, ईएन का नाम है इथाइलीन डाइएमाइन, सीओ का नाम है कोबाल्ट,
आई एल तीन निकला हुआ है इसलिए हमने लिखा इसको थ्री रोमन में। अब आएगा सीएल का नाम, सीएल का नाम है क्लोराइड, यहां आइडो नहीं आएगा, यहां आइड आएगा, क्लोराइड। ये अब बात ये है, ये तो नाम हमने लिख लिया, क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम सही है? नहीं, नाम गलत है। ये वाला जो नाम हमने लिखा है ये नाम गलत है। नाम गलत क्यों है? क्योंकि हमने नोट लगाया है कि यदि लिगेंड का प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, कोई ऐसा लिगेंड लगा हो जिस लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उसके लिए हम जो नंबर है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस। बात समझ में आ रही है? देखो इसका नाम क्या है, इथाइलीन डाइएमाइड। डाई आया कि नहीं आया, और जिसमें डाई आ जाता है उसके लिए हमने क्या यूज किया यहां पर, ट्राई, मतलब हमने गलत यूज कर लिया, यहां ट्राई नहीं आएगा। तो सही नाम क्या होगा? सही नाम होगा इस ट्राई को हटाओ यहां से, ट्राई नहीं लिखाएगा, नहीं लिखा। क्या लिखाएगा? तीन के लिए, तीन के लिए आता है ट्रिस, तो यहां हम लिखेंगे ट्रिस, तीन के लिए आता है ट्रिस। दूसरा रूल, जब ये ट्रिस लिख दोगे तो आपको लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इसका नाम लिखना है, इसका नाम है इथाइलीन डाइअमाइन, अब करो ब्रैकेट बंद। ये है सही तरीका, ट्रिस ब्रैकेट लगाओ, इथाइलीन डाइअमाइन ब्रैकेट करो बंद। अब लिखो सीओ का नाम, सीओ का नाम है कोबाल्ट। अब बात ये है, यदि ये नेगेटिव होता स्फीयर तो कोबाल्टेट हो जाता, ATE कोबाल्टेट हो जाता, लेकिन नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर में नाम चेंज नहीं होता है। यदि वो जीरो या न्यूट्रल होता है तो सॉरी न्यूट्रल या पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, अपने आप चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव पार्ट में आया इसलिए हमने क्या लिखा, कोबाल्ट। वो यदि नेगेटिव में आता तो हम इसको क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट, क्या लिखते हैं, ATE कोबाल्टेट। नेगेटिव आता मान लो इसके ऊपर गलती से तो हम लिखते हैं आपका कोबाल्टेट, लेकिन नेगेटिव में नहीं आया तो हमने क्या लिखा, कोबाल्ट। अब इसके बाद में आया हमारे पास में थर्ड, वो तो वही निकलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहां सीएल के नाम क्लोराइड आएगा क्योंकि लिगेंड नहीं है, लिगेंड के नाम में आइडो आता है, आइडो आइटो एटो, लिगेंड के नाम में, लिगेंड के नाम में आइडो आइटो एटो आता है, लिगेंड के नाम में, ये लिगेंड नहीं है, ये नेगेटिव आउटर स्फीयर है, ये पॉजिटिव आउटर स्फीयर था, ये काउंटर आयन है, ऐसा लिख लो, आउटर स्फीयर छोड़ो, ये था इस साइड वाला नेगेटिव काउंटर आयन, ये पॉजिटिव काउंटर आयन है और ये नेगेटिव काउंटर आयन है इस साइड वाला, तो ये लिगेंड नहीं है इसलिए हम इसको लिखेंगे क्लोराइड। ये सही है, अब ये आंसर सही हुआ। ये गलत हो गया था क्यों? क्योंकि हमने यहां क्या लिख दिया था, ट्रिस की जगह ट्राई लिख दिया था, ये गलत था। बात समझ में आ रही? दूसरा एग्जांपल दूं इसी प्रकार से, देखो जरा एक एग्जांपल और देते हैं अपन, एक मिनट, एग्जांपल एक और, जैसे मिटा दूं ना इसको, जैसे आपको दिया हुआ है एन आई ई एन ट्वाइस, इसका नाम आपको लिखना है, दूसरा आपको लिखना है एन आई, चलो अच्छा इसी को लिखो एन आई, इसको लिखो, ये है हमारे पास में दो, तो हम इसका नाम लिखेंगे दो के लिए क्या नाम आता है, दो के लिए नाम आता है डाई, ये लिखा हमने डाई। ई एन का नाम क्या है, ई एन का नाम इथाइलीन डाई अमाइन, ईएन का नाम अब भी लिखा था हमने इथाइलीन डाइअमाइन, ये क्या है आपका निकल, ये है आपका निकल, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो गलत हो गया हमारा। गलत क्यों हो गया हमारा? क्योंकि हमने दो के लिए क्या यूज किया, डाई, जबकि डाई नहीं आएगा दो के लिए, दो के लिए क्या यूज करते थे, डाई ना यूज करके बिस, इसलिए हम यहां पर यह नाम हो गया गलत। सही नाम क्या होगा, डाई की जगह क्या लगाओ, बिस, और इस नाम को लिखो ब्रैकेट में यहां तक, ये लिखा हमने नाम को ब्रैकेट, कपड़ा कहां गया, ये हो गया हमारे पास में ब्रैकेट में हो गया। अब देखो जरा बिस दो के लिए, इथाइलीन डाइएमाइन ईएन के लिए, एनआई के लिए आपके पास में निकल हो गया, क्या हो गया, निकल हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो
तो इसको क्या मानो आप, इसको मानो एक्स प्लस ई एन का चार्ज जीरो इंटू टू बराबर जीरो, तो टोटल कितना हो गया जीरो जीरो, यहां जाएगा हमारे पास में जीरो। ये है इसका सही आंसर। समझ गए कि हम यहां पर ये कब यूज करते हैं, डाई ट्राई बिस कब यूज करते हैं। नाम में क्या आया इसके, नाम में आया डाई, जैसे ही नाम में डाई आया हमने क्या यूज किया, बिस, हमने क्या यूज किया, बिस। ये कुछ है, ज्यादा नहीं है, उनको याद कर लो आसान हो जाएगा। एक और नाम लिखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास में डी एम जी, डी एम जी ट्वाइस। डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेटो, डीएमजी का नाम है, डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेटो। हम जानते हैं ये जो नाम आता है इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। कितना लगा है यहां पर, दो, दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, क्या डाई यूज करेंगे, नहीं डाई यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नाम में क्या आया, नाम में आया है डाई, नाम में आया है डाई, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बिस, ये इसके लिए हम यूज करेंगे बिस। तो हमने यहां पर यूज किया बिस ब्रैकेट में डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेटो। अब निकल, निकल का हमारे पास बैलेंसी यहां आएगा, इसका नाम लिखो निकल, निकल बैलेंसी इसकी फिर निकालोगे तो जीरो आएगी, न्यूट्रल होता है आपका। ये आ गया हमारे पास में यहां पर इसका नाम। इतनी बात समझ आ रही है, क्या लिखा, क्या बताया, नाम लिखने का तरीका, रूल। अभी तो ये रूल ही चला, अभी तो नाम बताया ही नहीं, वो तो गलती से ये आ गया हमारे पास में एक, इसलिए मैंने आपको दो तीन नाम बता दिए कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसको नाम। अच्छा एक और आता है, मान लो हमारे पास में ईडीटी आ जाए, क्या जाए, ईडीटी, ईडीटी ये आ जाए, एफ ई यहां जाए, के थ्री यहां जाए, आपके पास में ई डी, यहां चार ही लिख लो, ई डी टी ए, ये जाए मान लो। अब ये छ जाए, अब इसके लिए क्या यूज करोगे, छह के लिए बताओ, इसका नाम क्या है, इथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, डाइअमाइन, डाइअमाइन, इथाइलीन डाइअमाइन, डाई आया ना डाइअमाइन, तो यहां क्या यूज करोगे, हेक्सा यूज करोगे, हेक्सा यूज करोगे, कि हेक्सा किस यूज करोगे, पेंटा, पेंटा किस, हेक्सा, हेक्सा किस, क्या यूज करोगे, ये आपके लिए होमवर्क बताना, क्या यूज करोगे। बात समझ में आ रही है, तो इस वाले लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर में नाम का ही प्रोसेस चलेगा, सिलसिला जारी रहेगा, अभी सिलसिला बंद नहीं हुआ है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हाँ आने वाले लेक्चर में हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां दूर हो जाता हूं, यहां मैं आपको एक इमेज लगा रहा हूं, उस इमेज में लिगेंड के टाइप दिए हुए हैं, नेम ऑफ लिगेंड पॉजिटिव, नेम ऑफ लिगेंड न्यूट्रल और नेम ऑफ लिगेंड नेगेटिव, वहां नाम दिए हुए हैं, कब नाम चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, नाम क्या होगा, उस नाम वाली लिस्ट की लिगेंड को, लिगेंड की लिस्ट को आप बुक में अच्छे से लिख लो, याद कर लो। प्राइमरी बैलेंसी भी मैं यहां लगा दे रहा हूं, सेकेंडरी बैलेंसी तो आपको मालूम है यहां काम नहीं होगा, सेकेंडरी बैलेंसी, अब प्राइमरी बैलेंसी को निकालना हमको आना चाहिए। मैं यहां इमेज में प्राइमरी बैलेंसी, इमेज में प्राइमरी बैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो भी लगा दूंगा, इमेज में लिगेंड लगा दूंगा, यहां पर लिगेंड आपको याद करना है, पॉजिटिव लिगेंड यहां लगी हुई इमेज में, न्यूट्रल लिगेंड भी यहां लगे हैं इमेज में, और निगेटिव लिगेंड भी लगे हैं इमेज में। दूसरी बात, यदि हमारे पास में काउंटर आयन के ऊपर पॉजिटिव होता है तो सेंट्रल मेटल का नाम क्या होगा, उसकी लिस्ट में इमेज लगाए दे रहे हो यहां पर। यदि स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तब हमको सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, तो नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा एट, नाम चेंज हो जाएगा, वो इमेज भी मैं यहां लगाए दे रहा हूं। ये थी आपकी छोटी छोटी बेसिक बातें, टेंशन मत लो, डिस्टर्ब मत हो,
काफी डिटेल में मैंने आपको बताया, छोटी से छोटी बात मैंने आपको बताई, ताकि आपको ऐसा फील हो कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, कोई डाउट ना रहे आपको। यदि वीडियो सही में एक बार में नहीं आए तो दोबारा आप इसको चला सकते हो। इस वीडियो को तो आपको बेनिफिट भी है, क्लास में आप हमसे पूछ नहीं पाते हो, कि बहुत से बच्चे होते हैं मन में शर्म होती है, पूछे नहीं पूछे सर क्या बोलेंगे, डांट दिया तो। इसलिए वीडियो सबसे अच्छा माध्यम है। समझ में नहीं आया तो सर से ये नहीं बोलते सर आप पीछे जाइए, जो शुरू में पढ़ाया था वो पढ़ाइए, नहीं बोल सकते, बोलते हो तो नहीं बताते हैं सर। लेकिन यहां क्या है, आप हमको आदेश दो, चलो भाई पीछे चलो भैया सर, तो आपने रिवर्स मार के पीछे लिया है, फिर वहां शुरुआत होने लगे, फिर समझ में नहीं आए, फिर बोल सकते हो चलो भैया सर पीछे चलो, फिर पीछे गए, फिर वहां से रिवर्स किया, फिर हम आ गए। बात समझ रहे हो, मतलब ये हुआ कि हम आपके हाथ की कठपुतलियां हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप पीछे जाते जाओ देखते जाओ, पीछे जाते जाओ देखते जाओ, समझ रहे हो ना। आने वाली क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं उसकी लिस्ट में यहां आपको बता ही देता हूं, उसका भी टेंशन खत्म हो ही जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। ये देखो मेरे पास में 3 लिस्ट बनी रखी हुई है, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नाम नेम ऑफ लिगेंड की। ये जो लिस्ट मैंने यहां पर लगाई है, यहां पर जो लिस्ट लगाई है उस लिस्ट में देख लो, मैं यहां पर हट जाता हूं, समझ में आ रही है ना। नेम ऑफ लिगेंड की पहली लिस्ट है हमारे पास में, जिसमें लिखा हुआ है आपको, जिसमें लिखा हुआ है आपको नेम ऑफ लिगेंड न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड के नेम है। जैसे NH3, तो NH3 को हम अमोनिया बोलते थे, यहां अमोनिया नहीं बोलेंगे, यहां अमाइन बोलेंगे। NH3 का नाम है अमाइन। H2O, H2 को नाम एक्वा, अब वाटर यूज नहीं बोलेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे, कि वाटर है, 6 वाटर, हेक्सा वाटर, हाँ हेक्सा एक्वा, पेंटा एक्वा, टेक्ट्रा एक्वा, डाई एक्वा, एक्वा वाटर को एक्वा बोलेंगे। ऐसे NH3 को हेक्सा NH3, पेंटा NH3, डाई NH3, ट्राई NH3, टेक्ट्रा NH3, समझ गए। NO, नाइट्रोसिल, इमेज में देखते जाओ, NO नाइट्रोसिल, NO को नाइट्रोसिल। CO, वहां हम बोलते थे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, CO मतलब कार्बोनिल, वो था नाइट्रोसिल, ये है कार्बोनिल। CS, CS मतलब थायो कार्बोनिल। O2, O2 मतलब हम वहां ऑक्सीजन बोलते थे, डाइऑक्सीजन, यहां भी उसका नाम क्या है आपका, डाइऑक्सीजन। N2, वहां हम डाइनाइट्रोजन बोलते थे, यहां भी इसका नाम क्या है, डाइनाइट्रोजन। पहले हमने डाइनाइट्रोजन बोला, N2 को क्या बोलते थे, डाइनाइट्रोजन, O2 को डाइऑक्सीजन। तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ, हाँ NH3 का नाम चेंज हुआ, H2O का नाम चेंज हुआ, NO का नाम चेंज हुआ, CO का नाम चेंज हुआ, बात समझ में आ रही है। अब इसी प्रकार से हमारे पास में आता है प्रीडीन, C5H5N, ये है हमारे पास में प्रीडीन। फिर आता है हमारे पास में इथाइलिन डाइएमाइन, जो कि अभी हमने पढ़ा, जो अभी हमने पढ़ा, EN, इसको EN भी बोलते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन। यह है हमारे पास में ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, C6H5, ट्राइफिनाइल, ये फिनाइल कहलाता है, 3 लगा हुआ है, फोस्फीन P लगा हुआ है, फोस्फीन। PH3 फोस्फीन, PH3 को बोलते हैं फोस्फीन। जब आप क्लास 12th में प्रॉपर्टी ऑफ फोस्फीन पढ़ोगे, PH3 पढ़ोगे, तो उसमें ये पढ़ोगे आप, पी ब्लॉक में आपका आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फास्फोरस, फास्फोरस के उसमें ये सारा आता है, फास्फीन वगैरह। फिर हमारे पास में न्यूट्रल में डाई प्रीडाइल पायरीडाइल, डाई पायरीडाइल है ना। फिर हमारे पास में ट्राई अल्काइल, क्या है आपका, ट्राई अल्काइल आर्सिन, ट्राई अल्काइल आर्सिन, देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या है अपने हिसाब से। फिर हमारे पास में यूरिया, फिर हमारे पास थायोरिया, फिर हमारे पास मिथाइल अमाइन। देखो यूरिया का नाम काम यूज का, यूरिया का यहाँ नाम में बहुत कम यूज आएगा, थायो यूरिया बहुत कम आएगा, ट्राई अल्काइल आर्सिन भी आपका बहुत कम आएगा, ठीक है, ये सारे कम आएंगे। हाँ मिथाइल अमाइन आएगा आपका, H2O, NH3, CO, CS, ये आपके काफ़ी आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम इसमें नेगेटिव लिगेंड की। तो नेगेटिव लिगेंड में जैसे किसी का नाम है आपका आइड, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, नेगेटिव लिगेंड में नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज होकर दिया है,
आइड था आइडो हो जाएगा, जैसे सल्फाइड तो सल्फाइड नहीं लिखेंगे हम, सल्फाइडो लिखेंगे, जैसे सल्फेट तो हम सल्फेट नहीं लिखेंगे सल्फेटो, ई हटा के ओ लग जाएगा, सल्फाइट आइट नहीं लिखेंगे सल्फाइटो आइटो सल्फाइटो, समझ गए ना। पहला है जैसे फ्लोराइड तो हम फ्लोराइड नहीं लिखेंगे फ्लोराइडो या फ्लोरो, क्लोराइड हम बोलते थे लेकिन हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइड ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे ब्रोमाइडो या ब्रोमो, आयोडाइडो या आयोडो, एच माइनस हाइड्राइड हम हाइड्राइड नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे हाइड्राइडो, ओ ई हटा के ओ लगाना है, ई हटाओ ओ लगाओ, नाइट्राइड तो नाइट्राइड नहीं लिखेंगे नाइट्राइडो, अजाइड अजाइड नहीं लिखेंगे अजाइडो, फिर अमाइड अमाइड नहीं अमाइडो, फिर नाइट्राइटो एन, यही नाइट्रोजन लोन पेयर दिया है तो देखो एनओ टू और नीचे वाला भी एनओ टू है उसको बस अलग अलग लिख दिया, नीचे लिखा है ओ एन ओ माइनस, ये भी आपका एनओ टू ही है, इसको समझो जरा, ये हमारे पास में एन ओ टू माइनस ओ एन ओ माइनस, ये हमारे पास में वही है, ये दोनों एक ही है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया है, इसलिए नाम में क्या लिखा है उसके में नाइट्राइटो एन, एन मतलब नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया है, यहां ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया है, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं नाइट्राइटो, नाम वही है देखो दोनों का नाम है, इसका नाम भी नाइट्राइटो इसका नाम भी नाइट्राइटो, इसमें लिखा है नाइट्राइटो एन मतलब नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया, यहां लिखा है नाइट्राइटो ओ मतलब ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, समझ रहा हो। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, यहां हाइड्रोक्साइड नहीं है हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं हाइड्रोक्सो, फिर हमारे पास में HCN माइनस हम बोलते हैं थायोसाइनाइट, लेकिन यहां साइनाइट नहीं है थायोसाइनाइटो, अब यहां हमारे पास में ये ऐसा है HCN माइनस, अब यहां लिखा है थायोसाइनाइटो एस, एस मतलब यहां पर सल्फर ने डोनेट किया है, नीचे लिखा हुआ है एन सी एस माइनस थायोसाइनाइटो, ये भी है लेकिन एन लिखा हुआ मतलब यहां नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, समझ रहा हो, एस मतलब सल्फर डोनेट कर रहा है एन मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, आगे अपन जब एग्जांपल करेंगे तो इसको डिटेल में हम एग्जांपल कराएंगे आपको, इसका दूसरा नाम भी है आइसोथायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, ऊपर वाले का नाम भी ऐसे हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो आप लिख सकते हो थायोसाइनाइटो एस या आइसोथायोसाइनेटो आप उसको वो उसको थायोसाइनेटो लिख सकते हो, ऊपर वाले को थायोसाइनेटो एस की जगह थायोसाइनेटो लिख सकते हो, थायोसाइनेटो एन की जगह आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, समझ रहे बातें। अब देखो सी एन माइनस साइनाइडो सी मतलब कार्बन डोनेट कर रहा है साइनाइड में, नाइट्रोजन डोनेट किया कि कार्बन कार्बन डोनेट किया, इसलिए वहां लिखा है साइनाइडो साइनाइड था साइनाइड ना लिख के हमने लिखा साइनाइडो साइनाइडो में सी ने डोनेट किया है कार्बन लिखा है, या हम साइनो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं साइनो भी बोलते हैं, साइनाइड भी कई बुक में लिखा मिल जाएगा लेकिन साइनाइड से अच्छा है साइनाइडो, क्या लिखेंगे हम साइनाइडो। अब आता है हमारे पास में एनसी, आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं या साइनाइडो एन लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है आइसोसाइनाइडो, फिर आइसोसाइनो भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो OCN साइनेटो NCO आइसोसाइनेटो, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना नाम याद किए तो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, हाँ अरे बिना मेहनत के तो यार तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता, भगवान भी उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो तपस्या करते हैं, तो ये भी आपकी सबसे कड़ी मेहनत है बाबा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रट जाएगा, डे टेंशन की बात नहीं है, हम आपकी गारंटी लेते हैं इस बात की। देखो नीचे एसीटेटो, अच्छा एक और छूट गया, ग्लाइसिनेटो एसीटेटो थायोसल्फेनेटो ऑक्सेलेटो ओ माइनस टू ऑक्सो,
याद है ऑक्साइड प्रोक्साइड सुपर ऑक्साइड, तो ये वही है ऑक्साइड प्रोक्साइड सुपर ऑक्साइड में O माइनस टू ओक्सो, O टू माइनस टू प्रोक्सो, प्रोक्साइड का प्रोक्सो हो गया। बात समझ में आ रही है? पेज नंबर आओ दूसरा, कुछ बचा है D माइनस, H माइनस पढ़ा था हाइड्राइड, D माइनस हाइड्राइडो था, ये क्या है आपका ड्यूटेराइडो, एसओ फोर माइनस टू सल्फेट था, सल्फेटो होता है यहां, एसओ थ्री माइनस टू सल्फाइड था, आई टी हटते आइटो सल्फाइटो, ये देखो सल्फाइडो सल्फाइड आइटो सल्फेटो है ना, एस माइनस ये आ गया, ये तीनों आ गया, सल्फाइडो एस माइनस टू सल्फाइटो एसओ थ्री माइनस टू और सल्फेटो एसओ फोर माइनस टू, क्लियर है? अब देखो नाइट्रेटो नाइट्राइड था, हम बोलते थे नाइट्राइड, यहां नाइट्रेटो, हम बोलते कार्बोनेट कार्बोनेटो, हम बोलते थे फास्फेट फास्फेटो, हम बोलते थे फास्फाइट फास्फाइटो, हम बोलते थे सुपर ऑक्साइड, यहां पर क्या है सुपर सुपरोक्सो सुपरोक्सो सुपरोक्सो, समझ में आ रहे है? देखो नीचे लिखा हुई है लिगेंड, लिगेंड में एस माइनस टू एसओ थ्री माइनस टू एसओ फोर माइनस टू, फिर दिया है सिंपल नेम सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, आईयूपीएसी नेम सल्फाइडो सल्फाइटो सल्फेटो, क्लियर है? इमेज आपके पास में है, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये हुआ नेगेटिव, अब बचा है हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को ही निपटा देते हैं, काम खत्म। क्या भाई पॉजिटिव भाई कहाँ है, लगता है नाराज हो गया हमसे पॉजिटिव भैया। हाँ है, एनो प्लस नाइट्रो सोनियम, नाइट्रो सोनियम एनो प्लस, एनो टू प्लस नाइट्रोनियम, अच्छा ये तो आपको लिखी दिया, ये तो मैंने अभी लिखवाई दिया था, क्या बोलते हैं हाइड्राजीनियम हाइड्राजीनियम, फिर O2 प्लस ऑक्सीनियम, देखो इनका नाम आम चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड वाले के नाम चेंज नहीं होते हैं, नाम चेंज होंगे किसके, नेगेटिव लिगेंड वालों के, न्यूट्रल वाले के नाम चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव वालों के नाम चेंज नहीं होंगे। जब भी NO2 प्लस आएगा हमेशा क्या लिखोगे नाइट्रोनियम, जब भी NO प्लस आएगा क्या लिखोगे नाइट्रोसोनियम, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव वाले के नाम चेंज नहीं होंगे, न्यूट्रल वाले के नाम चेंज नहीं होंगे, नो नेम चेंज, नो नेम चेंज, सिर्फ नेगेटिव वाले का नाम चेंज। फिर क्या है आपका ऑक्सीजीनियम, फिर क्या है आपका एनिलिनियम, इनके यही नाम रहेंगे, नाम चेंज नहीं होंगे। ये हो गई लिगेंड की बात, लिगेंड की लिस्ट हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये है सेंट्रल मेटल एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस साइड हो जाता हूं, अब मैं इमेज इधर लगा दूं, काफी देर हो गई उधर पड़े पड़े हमको, ठीक है अब हम उस साइड इमेज लगा दे रहे हैं। हाय राम, देखो अब यहां लिखा हुआ है बॉक्स बना हुआ है ऐसा, याद है वो दिख रहा है ना ऐसा, यहां लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, एक बॉक्स में ऐसा बना हुआ है, उसके लिखा लिखा है जीरो और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक बॉक्स ऐसा बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। यदि हमारे पास में नेगेटिव स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है तो नाम में एट लगाया सब में, देखो एट एट एट, और यदि चार्ज पॉजिटिव है और जीरो है न्यूट्रल है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल नाम है। अब ये हाँ मैं इमेज लगा देता हूं, लगा दूं इमेज कि इधर लगाए, चलो इधर मैं खड़ा हो जाता हूं, उधर इमेज लगाते हैं, उधर इमेज लगा रहे हैं हम, देखो दिख रहा है ना काफी सही जगह खड़ा हूं मैं ताकि मैं यहां समझा सकूं आपको। अब हमारे पास में सी आर है, समझना, यदि सी आर हमारे पास में, यदि सी आर हमारे पास में यहां पर है, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए है ना, यदि मेरे पास सी आर यहां लिखा हुआ है, यहां इस वाले में सी आर लिखा हुआ है तो अब मैं लिखूंगा क्रोमियम, और यदि इस वाले में मेरे पास में सी आर लिखा हुआ है तो मैं लिखाऊंगा क्रोमेट, यदि मेरे पास में इसमें एफ ई लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा फेरम, और यदि इसमें एफ ई लिखा है तो मैं लिखूंगा फेरेट, क्योंकि चार्ज कैसा है नेगेटिव, चार्ज कैसा है पॉजिटिव। मैं लिखूंगा कोबाल्ट, इसमें है तो कोबाल्ट, नेगेटिव स्फीयर में है तो कोबाल्टेट, इसमें है तो निकिल, इसमें है तो निकिलेट, इसमें है तो क्यूप्रम, इसमें है तो क्या है आपका क्यूप्रेट, इसमें है तो जिंक, इसमें है तो जिंकेट, इसमें है तो अर्जेंटेनम, इसमें है तो अर्जेंटेट, इसमें है तो क्या है यूरम, इसमें है यूरेट, इसमें है तो
एल्यूमिनियम, इसमें है तो एल्यूमिनेट, इसमें है तो प्लेटिनम, इसमें है तो प्लेटिनेट, इसमें है तो प्लेटिनम, इसमें है तो प्लेडेट, इसमें है तो मोलिब्डेनम, इसमें है तो मोलिब्डेट, इसमें है तो एक और बचा है प्लम्बम क्या है प्लम्बम, इसमें है तो प्लम्बेट, बाकी प्रोनाउंसिएशन आप समझ लेना ठीक है। तो इसमें नाम चेंज नहीं होगा सेंट्रल मेटल का, बीच में क्या नाम है वो नाम आएंगे, यहां नाम चेंज हो जाएगा एटीई, क्या आएगा सब में एटीई आएगा, यहां आइड का आइडो, आइड का आइटो, एट का एटो, यहां सबके नाम में एट आएंगे, समझ गए, लिगेंड है नाम चेंज, ये है नाम चेंज, लेकिन स्फेयर के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। देखो आज की कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, आने वाले लेक्चर में यही इमेज दोबारा हम आपके सामने लाएंगे, दोबारा हम ही रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए, मिलते हैं नए जुनून, नए हौसले, नए सपने, नए एम के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए फार्मूले और नए एग्जाम्पल के साथ आने वाले लेक्चर में। जब तक खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, नोट्स बनाइए, ऑल द बेस्ट।